भी टीम है बीजेपी की, मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान जो पूछा रहा, सबसे ज्यादा ओवैसी पूछा रहा, ओवैसी पूछा रहा, वो सारे मुद्दों पे संसद में मुसलमान। सिर्फ आप मुझे एक चीज बताइए, आपसे उल्टा सवाल हमारा है, आप ये बताइए आजम खान अगर जरा सा वो कर रहा था उसे तो बीजेपी ने अंदर कर दिया, आज तक ओवैसी अंदर क्यों नहीं हुआ? इतना बोलने के बाद इसमें ओवैसी जिम्मेदार है, ओवैसी क्यों नहीं अंदर जाता? आप ये पूछिए, ये पूछ के बताओ हमें, ये बताओ वो कहाँ है? ओवैसी को क्यों नहीं बंद करती? वो ओवैसी क्यों नहीं बंद हुआ आज तक? वो बीजेपी, अरे सरासर बीजेपी की टीम है, सरासर बीजेपी की टीम है, अखिलेश बीजेपी का, अखिलेश यादव कर तो रहे हैं, अभी मिल के तो आए अखिलेश यादव, वो कह रहे कि हिस्सेदारी चाहिए, कोई हिस्सेदारी कहाँ? तो सरकार में, अरे जहाँ तेलंगाना में रहते वहाँ की हिस्सेदारी मांगी उन्होंने, झूठ बोलते हैं वो। मैं एक मुसलमान हूँ लेकिन अखिलेश हो जयंत हो मैं हिंदू को सपोर्ट करता हूँ, किस लिए? क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रह रहा, हमें निखालिस मुस्लिम स्थान नहीं चाहिए, समझे आप? हमें वो चीज चाहिए जो दोनों लोगों की बात करते हो, हिंदू की भी और मुसलमान की भी। जो मुसलमान की निखालिस बात करेगा ऐसा आदमी नहीं चाहिए, और सुनो जो हिंदू की बात करेगा वो नहीं चाहिए, हमें दोनों जातियों की बात करने वाला आदमी चाहिए। वो वैसे आते हैं हैदराबाद से, तेलंगाना में वो 7 सीटों पर लड़ते हैं, यहाँ 100 सीटों पर क्यों लड़ रहे हो? बीजेपी से उनका पैक्ट है, मुसलमानों को बांटने की शैली, लेकिन मुसलमान बटेगा नहीं, एक तरफा गठबंधन को वोट करेगा। वो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी चाहिए, कोई हिस्सेदारी काम आ तो सरकार में, अरे जहाँ तेलंगाना में रहते वहाँ की हिस्सेदारी मांगी उन्होंने, झूठ बोलते हैं वो, बीजेपी के एजेंट है, खुले एजेंट। किसने? वो कह रहे मुस्लिम कुछ नहीं, अरे मुसलमान तो बिल्कुल भाईचारे से रहते हैं, सब एक तरह से रहे, भाईचारा है, भाईचारे का, जब भी इन लोगों ने लड़वाया था इनकी नीति है, भाईचारे के नाम पे बिल्कुल सही, जो गद्दारी करेगा, जो भाईचारे को लड़वाने की कोशिश करेगा आपस में लड़ाई, उसे हम अलग कर देंगे। अब भाईचारा हिंदू और ये साथ क्यों नहीं ले लेते फिर? जाट और मोमडन एक साथ हो गए, मैं बताता हूँ भाई आपको, वो अगर साथ, वो साथ आना ही नहीं चाहते किसी के भी, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी है पीस पार्टी है, मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय उलमा काउंसिलिंग है, उन्होंने उनको खुला ऑफर किया कि आओ फिर हम अखिलेश यादव जी से बात करते हैं, जब वो उन्हीं के ही साथ आने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने कोई, भैया आप एक बात तो बताओ, ये सिर्फ एक बरगलाने वाली बात है, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि वो क्या काम करते हैं, देखिए वो हर सीट पर 10-5 हजार वोटों का पैकेट डालना चाहते हैं, उतना बहुत होता है। भैया हम क्यों ले उसे साथ? वो हैदराबाद का, हमारा लेना देना क्या है उससे? हैं? वो आ जाके उसने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, कितने करा मुसलमानों का, सबसे ज्यादा वो भी टीम है बीजेपी की, मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान जो पूछा रहा, सबसे ज्यादा ओवैसी पूछा रहा, ओवैसी पूछा रहा, वो सारे मुद्दों पे संसद में मुसलमान। सिर्फ आप मुझे एक चीज बताइए, आपसे उल्टा सवाल हमारा है, आप ये बताइए आजम खान अगर जरा सा वो कर रहा था उसे तो बीजेपी ने अंदर कर दिया, आज तक ओवैसी अंदर क्यों नहीं हुआ? इतना बोलने के बाद इसमें ओवैसी जिम्मेदार है, ओवैसी क्यों नहीं अंदर जाता? आप ये पूछिए, ये पूछ के बताओ हमें, ये बताओ वो कहाँ है? ओवैसी को क्यों नहीं बंद करती? वो ओवैसी क्यों नहीं बंद हुआ आज तक? वो बीजेपी, अरे सरासर बीजेपी की टीम है, सरासर बीजेपी की टीम है, अखिलेश बीजेपी का, अखिलेश यादव कर तो रहे हैं, अभी मिल के तो आए अखिलेश यादव, मिलके तो आए अभी मिल के आए, मालूम नहीं है सीतापुर में मिले, ये बीजेपी ने इतने उन पे मामले कर दिए, अभी करके आएंगे जो कोर्ट से मामला होगा, आएंगे निकल के, कोर्ट से निकल के आएंगे, इसमें ओवैसी क्या कर सकता है? ओवैसी का तो सारा करा धरा है, वो बिहार में आके बिहार के तरीके से यूपी का भी सत्यानाश कर, आपको मालूम है बंगाल वालों ने क्या करा, कितना खदेड़ा, अब की बार यहाँ के मुसलमान भी ओवैसी और ओवैसी समर्थकों के साथ यही करने वाले। मैं एक मुसलमान हूँ लेकिन अखिलेश हो जयंत हो मैं हिंदू को सपोर्ट करता हूँ, किस लिए? क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रह रहा, हमें निखालिस मुस्लिम स्थान नहीं चाहिए, समझे आप? हमें वो चीज चाहिए जो दोनों लोगों की बात करते हो, हिंदू की भी और मुसलमान की भी। जो मुसलमान की निखालिस बात करेगा ऐसा आदमी नहीं चाहिए, और सुनो जो हिंदू की बात करेगा वो नहीं चाहिए, हमें दोनों जातियों की बात करने वाला आदमी चाहिए। वो अकेला मुसलमानों की कर रहा, कभी कहा उसने हिंदुओं के लिए बोला? कभी बोला आपने? एक आधी स्पीच आप निकाल के दिखा दो कि हिंदुओं के लिए बोल रहा था, नहीं कहाँ बोल रहे हैं बताओ ना, बताओ ना हमें कहाँ बोल रहे हैं? आपके पास में है कोई स्पीच? नहीं, मैं बता रहा, मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने 3 तलाक पे आवाज उठाई, क्या 3 तलाक मुसलमानों के लिए ही है? 3 तलाक मुसलमान क्यों? हिंदुओं में नहीं तलाक हो रहा? 3 तलाक के अलावा तलाक हिंदुओं में भी तो हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? वो हिंदू कोर्ट क्यों कोर्ट में? लेकिन एक बात सुनिए,
उन्होंने जो वो लेकर आए ये बिल्कुल सरासर गलत है। कभी भी वो यही सुनो, उन्होंने खुला वो कर दिया है। मेरी बात सुन लीजिए आप, सीएनआरसी की सुनो। अरे सीएनआरसी कोई कुछ नहीं है, जब होगा आगा देखा जाएगा, कुछ नहीं। हमारी साथ हमसे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू खड़े हमारी साथ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ बाहर के, इस वजह से आप विरोध करें। बाहर के नहीं, अगर कोई गलत आदमी तुम्हारे घर में घुस रहा, आप उसे निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए ये बताइए आप। ओवैसी सरासर गलत है, सो के सो गलत है, सरासर गलत है, सो के सो गलत है। ओवैसी को तो भाजपा आज तक उनका हाल नहीं पूछ रहे। वो बिहार में जब से बीजेपी की सरकार आई उनका हाल नहीं पूछ रहे। आजम खान के लिए जिम्मेदार? अरे आजम खान के लिए, आजम खान हमारे, हम अपने आप देखेंगे। ओवैसी का क्या लेना, हमारे यूपी वालों का हम देखेंगे, हमारी पार्टी का आदमी हम देखेंगे। ओवैसी को सुनो, आजम खान के परिवार को किसी को कोई ऐतराज नहीं है। ओवैसी को क्यों ऐतराज है उनके जेल जाने पे? आपने एक एक स्पीच भी अब्दुल्ला आजम की, तंजीम फातिमा की, किसी को कोई स्पीच आई आज तक? कभी समाजवादी पार्टी या अखिलेश के खिलाफ कोई एक स्पीच दिखा दोगे आप? वो खुश है कोई बात नहीं, आजम खान का खुश है सब। हमें यो भाईचारा रैली और ये सब चीज एक चीज हो गया, हमें बहुत पसंद आई और हम सब साथ रहेंगे हिंदू मुसलमान। ये भूमि चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है, यहाँ आपस में प्यार से लोग रहने वाले लोग हैं। यहाँ के गन्ने की मिठास पूरी दुनिया जानती है, यहाँ के रेटोल के आमों को सारी दुनिया चाहती है। ये चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है, ये चौधरी अजीत सिंह जी की धर्म भूमि है। बीजेपी इस गन्ने की मिठास को जिन्ना से जोड़ रही है। बीजेपी को जिन्ना पसंद है वो जिन्ना की बात करेंगे, हमें गन्ना पसंद है हम गन्ने की बात करेंगे। बीजेपी वालों के पास कोई नीति है ना नेता है? बीजेपी यो बीजेपी के लिए ओवैसी तुरप का इक्का है और ये बी टीम है, वे इसी के आधार पे इन्होंने बिहार में सरकार बनाई और ये चाल ये पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं। यहाँ चलेंगे यहाँ भी कामयाब नहीं होगी। यहाँ के हम, अरे हम इनका सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। ओवैसी कैसे इंसान का जो सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा देते हो, हम सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा देने वालों का एक एक सिरे से खारिज करते हैं और ये भाईचारा कायम रखते हैं। भाईचारा के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ो, इसे हम टूटने नहीं देंगे। और हाँ, मुसलमानों ने भाईचारे को खत्म करने की बात नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं उनका मेन मुद्दा क्या है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। ओवैसी हो, सुनिए उनका मुद्दा मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। ओवैसी जो लड़ाई करते हैं उनका काम बीजेपी के लिए, जैसे जिन्ना ने देश को बंटवाया था आज नए जमाने के जिन्ना है ओवैसी। बीजेपी उनका इलाज क्यों नहीं करती है? जो आदमी देश को बांटने की बात करता है ओवैसी उर्फ जिन्ना, ओवैसी उर्फ जिन्ना, हम ओवैसी को इस जमाने का जिन्ना करार देते हैं। वो जिन्ना है, वो देश का बंटवारा कराना चाहता है। बीजेपी उसे क्यों नहीं जेल में भिजवाती है, उसका इलाज करे बीजेपी। एक मुकदमा फाड़ता है। आप मुझे कोई एक गैर संवैधानिक भाषा उनकी बता दीजिए कि ये गैर संवैधानिक है, इस पर उनकी कार्रवाई। सुनिए, क्या संसद में बड़े तरीके से संवैधानिक ये है, उसका भाई ये कहता है संवैधानिक नहीं है। क्या आप एक बिल संसद के अंदर फाड़ दोगे? सुनिए, ये गैर संवैधानिक नहीं है कि एक बिल आप संसद में फाड़ दोगे, मुंह पे मार स्पीच के उसके स्पीकर के मुंह पे मार दोगे? ये गैर संवैधानिक नहीं है? आपको नहीं लगता है? बिल तो पहले भी फटे हैं। नहीं, क्यों नहीं फटे? आपको लगता है या नहीं लगता है? आपको लगता है नहीं लगता है गैर संवैधानिक? सुनिए सुनिए, हम उनके एक मिनट सुनिए, सरकार के पास, हाजिर सुनो, सरकार के पास असीमित संसाधन है, जब चाहे जिसे चाहे जिस रूप में चाहे पिछवाड़ा पीट के बंद कर सकती है। जबरदस्ती आप कर सकती है सरकार? क्या आजम खान ने बकरी चुराई आप बता दीजिए? आजम खान बकरी चुराने वाले आदमी लगते हैं आपको? चौधरी जयंत सिंह जी के ऊपर हाथरस में लाठियां बजा दी, हमारा चौधरी के हमारा राष्ट्रीय चौधरी है वो, क्या लाठी भजवा देगी सरकार? जिसको चाहे उसको नुकसान कर लेती है, ओवैसी जैसे को जब चाहे जब संदूक सा पीट के बंद कर देगी उसका, लेकिन उसे छोड़ रखा है इन्होंने। क्या वजह रखी? वो कौन का काला तीतर है? उनका अपना आदमी है, अपने आदमी को पिटेंगे क्या? पर आजी जी वो तो ये कहते हैं कि हम हिस्सेदारी लेना है। अरे हिस्सेदारी काहे मिलेगा? हिस्सेदारी बढ़िया मिल रही, आज हम कहा 19-15 लेते, हिस्सेदारी तो मिल गई। हिस्सेदारी पाकिस्तान में मांग लो ना जाके, सरासर मस्जिद में मुसलमान स्कूल में बम फोड़ दे। हमारे मेरठ में आठ राज्य मंत्री थे और एक कैबिनेट मंत्री शायद मंजूर साहब थे, तो हमारी हिस्सेदारी क्या चाहिए? पाकिस्तान के अंदर बम फोड़ दिया, 138 बच्चे मर गए थे 10-12 साल पहले, वहाँ हिस्सेदारी मांग लो जाके। हमें हिस्सेदारी मिल गई थी 1947 में, हिस्सेदारी हैदराबाद हमारी हिस्सेदारी है, हम यहाँ रह गए थे। हम अब इकाई की हिस्सेदारी दिलवाना चाह रहे?
सरकार में? अरे सरकार में हिस्सेदारी है, हमारे हिंदू भाई हैं, लग रहे हैं हम उनके साथ लग रहे हैं, वो हमारे साथ है। हमारी मेरठ जिले में हमारे 8 राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री था, तो क्या हिस्सेदारी चाहिए? और महंगाई पर बात कीजिए ना, बात करूँ नहीं आप मीडिया तो बोलती नहीं, मीडिया तो उसकी बताती है। शिक्षा सत्ता में बैठे, एक बात सुनिए भैया, बात सुनिए बिल्कुल सरासर, आप जो विकास की और उसकी बात है, महंगाई की और मेन मुद्दे जो हम लोगों के हैं, आप ये समझिए, एक मैं मजदूर आदमी, बात सुनिए, अब इन्होंने कपड़े पे जीएसटी 12% कर दी, मालूम है आपको? नहीं है, उसे बुनकर समाज करता है, उसकी आवाज उठाई है, 5% जीएसटी में भी लोग अभी खत्म हुए पड़े थे, इन्होंने 12% की बात कर दी, क्या गलत नहीं है? अभी गन्ने के लिए, गन्ने पे लोगों ने अभी जो इन्होंने 3 काले कानून लाए थे उस पे भी तक आज तक वो चल रहा है, जो अपना प्रदर्शन वहां पे हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने एक नया मुद्दा जीएसटी का एक और डाल दिया किसान उनपे, बुनकर समाज पे, जो कपड़े मेन जो चीज ये ला रहे हैं, ये वो जो ये बिल पास कर रहे हैं, जो महंगाई की चीज ला रहे हैं, वो सरासर गलत है, हम उसका विरोध करेंगे और उसके खिलाफ ही हम वोट करेंगे। हम क्या सब मजदूर जितने भी है, मजदूर है, व्यापारी है, किसान है, सब और उवेसी का किसी का कुछ नहीं उठने वाला, ये उन्हीं के आदमी आगे चले रहे हैं। जैसे बंगाल के लोग समझदार हो गए थे ना, बंगाल में उन्हें को खदेड़ खदेड़ के भगाया था, खदेड़ा हुआ था, किस बात के ऊपर देते? अगर वो मुसलमानों के हितेशी और चुनाव लड़ने वाले होते तो 100 सीटों पे न लड़ते, जितनी 403 विधानसभा थी सब पे अपने प्रत्याशी उतारते। आप क्या समझते हो, अगर वो बी टीम ना होते तो 100 पे क्यों लड़ते? 100 उन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहाँ हरवा दे, जो बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट आ रहा है वो डिवाइड हो जाए, वो वोट उसे कर दे और बीजेपी वाले निकल के चले जाए, इसलिए बीजेपी की बी टीम है। पर मुसलमान समझदार है, मुसलमान और मुसलमान अब बहुत समझदार हो चुका है, उसे मालूम है कैसे वोट करनी है, किसे। ये भाईचारा जो है, ये सांप्रदायिकता।